दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मंजाल, मेरे साथ है यार मोहम्मद कैफ और शुभम सिंह, दानिश मार्कन, और कैमरे के पीछे जो है अपने जसप्रीत सिंह जस्सी। ठीक है, ये बच्चे थे यार, ये पढ़ रहे थे, डिप्लोमा करा इन्होंने, डिप्लोमा कंप्यूटर ब्रांच से, और उसके बाद इन्होंने बीटेक कर लिया है। ठीक है, तो आज वैसे ही मिलना हो गया, ये आए, बड़ा अच्छा लगा। इन लोगों ने बताया कि भाई मेरा 4 लाख का पैकेज, मेरा 3 लाख का पैकेज, मेरा जसप्रीत जस्सी ने भी बोला 4 लाख के अराउंड का पैकेज है। ठीक है, और दानिश की पतंजलि के अंदर इंटर्नशिप लग चुकी है, 4 मंथ्स की, 3 मंथ्स की है, उसके बाद फिर उसको PPO मिलता है नहीं मिलता वहाँ से पता लगेगा, जैसे काम करेगा डेफिनेटली मिल जाएगा, है ना। चलो, मेरी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। मेरे 2 छोटे-छोटे से क्वेश्चन थे, मैं इनसे भाई से पूछ रहा था यार, अगर फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया नहीं भी है डिप्लोमा के किसी बालक की, तो उसको बीटेक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो मैं इससे पूछा मोहम्मद कैफ से। ठीक है, मोहम्मद कैफ के ब्रदर ने भी शायद बीटेक कर रखी है, है ना। तो ये बच्चा मेरे को मतलब जब ये तैयारी की ड्यूरेशन में तो 1 साल तक जानता रहा कि भाई हाँ, ड्यूरेशन तक वो जानता रहा, प्रिपरेशन करी जब इसने, अब जब इसकी नौकरी कौन सी कंपनी में लगी है भाई, ब्लैक एंड ग्रीन कंपनी है, 4 लाख CTC के अराउंड है, इन हैंड यार लगा लो यार 30-32 हज़ार रुपये इसको मिलता है। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो पैसा तेरे को मिल रहा है, अगर ये डिप्लोमा के बाद भी तो मिल सकता था, मतलब बच्चे कहते हैं यार बीटेक करनी क्यों है जब डिप्लोमा के बाद ही इतना पैसा मिल जाएगा, ऐसा है क्या? नो सर, ग्रोथ के लिए नजदीक आगे बता यार, ये थोड़ा लाउड नहीं बोल रहा ना, नजदीक आगे बोल। हाँ, ग्रोथ के लिए तो बीटेक इज इम्पोर्टेंट। कैसी ग्रोथ? डिप्लोमा में थोड़ी बेसिक बट थोड़े से हायर लेवल के लिए बीटेक में काफी अच्छे से सीखने को मिलता है। यार ये कहना चाह रहा है कि डिप्लोमा में ना इतना सा स्कोप मिला था इसको, मान लो इसको DBMS भी पढ़ाया गया था, थ्रोटिकल पढ़ाया गया था इसको, कोई प्रोग्रामिंग इन सी कराई गई थी, तो प्रोग्रामिंग पे तो हाथ भी लगा था, मतलब इनको थ्योरेटिकल जो अप्रोच थी वो सारी थ्योरेटिकल थी। जब बीटेक में गए तो पहला तो डिफरेंस क्या बता रहा है, पहला डिफरेंस बीटेक में ये बता रहा भाई कि 6-8 घंटे की सिटिंग देनी पड़ती है सर, और सिटिंग में जाके अपना लेवल, अपनी औकात पता लगती है सर, डिग्री में जाके औकात पता लगे, डिप्लोमा में तो शेर थे हम, बब्बर शेर, हमसे ऊपर नहीं था कोई भी, लेकिन वहां जाके जो खुले ना पटाखे, वहां दिक्कत थी सर। फिर अपने देखो यार, लाइफ में आगे बढ़ना है, इनको भी मैं बता रहा था और तुम लोगों को भी, जो देखोगे इसको बाद में, तुम लोगों को मैं यही बताऊंगा कि अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो बड़ा 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 करता चले जाना चाहिए, तो डिप्लोमा के बाद बीटेक करना एक बड़ा ही था, बड़ा ही था, मतलब ऐसा नहीं है कि बीटेक कर ली तो बहुत बड़ा तीर मार ली, नहीं यार, लेकिन बीटेक, डिप्लोमा और बीटेक में एक ह्यूज डिफरेंस है, इन लोगों ने फील किया है ये लोग। मैं चाहता हूँ कि यार जो बेसिक चीज मैं अभी नहीं डिलीवर कर पाया, ये भाई YMCA से है, शुभम ने, ये इसने YMCA से बीटेक करी कंप्यूटर ब्रांच से, ठीक है, इसकी भी 3-4 लाख रुपए के अराउंड नौकरी लगी हुई है, इसको पता है कि यार 4 लाख रुपए के अराउंड नौकरी इसके कॉलेज में कितने बच्चों की लगी है, मतलब ये अगर इसे पूछे कि तेरी क्लास में हाईएस्ट पैकेज कितना गया होगा, तो पूछ लो, तुम्हारे सामने बताएगा हाईएस्ट पैकेज, 27 लाख रुपए गया है, कौन से बालक का गया है, कौन सी कंपनी में है, अमेज़न के अंदर है, और मेरे को लगता है वो लेटल एंट्री का स्टूडेंट था, ऐसा सुना मैंने 2020 में तो एक लेटल एंट्री बच्चे का हाईएस्ट पैकेज लगा तुम्हारे कॉलेज में, शायद कोई और था वो, लेकिन हमारी ब्रांच का नहीं था, हमसे शायद सीनियर हो रहा होगा, ओके, लेकिन जो हमारे बैच के है उसमें मेनली जो है कि जो मेन बच्चे थे जो मतलब नॉर्मली आए थे उनका था। अच्छा यार, डिप्लोमा के बाद जब बीटेक करने जाते हैं तो पहला तो ऑप्शन ये है कि बालकों के पास तीन ऑप्शन है, बच्चों के पास तीन ऑप्शन है, एक तो सरकारी नौकरी, डिप्लोमा के सरकारी नौकरी के लिए जा सकते हैं, एक है प्राइवेट नौकरी, ठीक है, और एक है बीटेक, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बालकों के पास। डिप्लोमा के बालक ऐसे नहीं है कि अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको अभी ज्ञान लिमिटेड था, अगर अपना काम स्टार्ट भी करना है ना, मेरे हिसाब से उसके लिए भी बीटेक एमटेक या ऐसा कुछ एक डिग्री एटलीस्ट होनी चाहिए, तब वो बंदा अपने लिए काम सोच सकता है, अपने आसपास वो सारी चीजें देख सकता है, और उसको पता होगा डिप्लोमा के, और डिप्लोमा वाले बंदे से काम भी ले सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि इन तीन कामों में तुम्हारे हिसाब से सबसे मतलब सबसे सही काम कौन सा है, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी या बीटेक? बीटेक अगर जॉब मिल रही है गवर्नमेंट तो ठीक है, गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं मिल रही तो बीटेक, ठीक है। अच्छा यार, मैं एक मिनट म्यूट करें, तो भाई दानिश से जो क्वेश्चन पूछा वही सेम क्वेश्चन मैं जसप्रीत जस्सी से पूछ रहा हूँ। जस्सी भी भाई, इसने भी डिप्लोमा करा, उसके बाद ये बीटेक कर रही है, इसने IP यूनिवर्सिटी से करी है, इसका भी नौकरी जो 4 लाख के अराउंड है, तो भाई तू बता कि क्या होना चाहिए, तीन ऑप्शन है डिप्लोमा के बाद, तेरे हिसाब से कौन सा है? इसने बोला बीटेक गवर्नमेंट सेक्टर है, अगर वो उसमें खुश है और आगे उसकी स्किल बढ़नी चाहिए,
तो उसे डिप्लोमा के बाद ही रुक जाना चाहिए। लेकिन मेरे फैक्टर में क्या है कि कहीं पे एक ऐसा स्केल आएगा कि जहाँ पे उसको स्टॉप हो जाएगा, जैसे दैट अगर उसका पैकेज 60 पे 70 पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन जब उसके पास बीटेक रहेगी, एक उसके पास एक सीनियर डिग्री है, वो सीनियर इंजीनियर बन सकता है। तो फॉर दैट सिनेरियो आई विल प्रेफर कि बीटेक बच्चा करे, उसके बाद बच्चा उसके बाद जैसे भी है इंडस्ट्री में जाए, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए, जैसे भी उसको जॉब करनी चाहिए। यार ये लोग, ये जो जितने बच्चे हैं ना, ये अपने सारे बच्चे डिप्लोमा के बाद, डिग्री करने के बाद ये रिजल्ट बता रहे हैं आपको। ये बोल रहे हैं कि यार डिग्री करने के बाद ये बता रहे हैं कि नहीं यार ये जरूरी है डिप्लोमा के बाद। अगर तुम्हें लग रहा है अभी, अगर तुम्हें लग रहा है कि यार सर हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, हम बताओ कैसे बीटेक कर ले, 1-1 लाख रुपये बीटेक की फीस है, डीटीयू में तो सर 2 लाख रुपये फीस है, 2,06,000 रुपये सेकेंड ईयर की, 2,16,000 रुपये अपना थर्ड ईयर की, और 2,29,000 रुपये फाइनल ईयर की, तो इतना 7-8 लाख रुपये इतना पैसा कहाँ है सर हमारे पास। आपकी बात दोस्तों बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक बार, हाँ स्कॉलरशिप वाला भी वहाँ पे है फैक्टर, एक तो स्कॉलरशिप का फैक्टर है, दूसरा वहाँ पे अगर आप जनरली वहाँ पे अपना जो आपकी फैमिली इनकम है वो अगर आप डीटीयू कमेटी के स्टाफ के सामने रखते हो तो वो वहाँ पे उसको कंसीडर करते हैं, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं। और मैंने आप लोगों के लिए कितने यार गुजरात के, मध्य प्रदेश के ऐसे ऐसे कॉलेज बताए जहाँ पे लड़कियों के लिए तो 0 फीस है, 0 मतलब 0 सरकारी कॉलेज, और जहाँ 2,500 रुपये फीस, 3,500 रुपये फीस वाले कॉलेज हैं। तो यार कभी भी ना जब हमें हायर डिग्री में जाना हो तो मेरे को नहीं लगता कि यार ये पैसा पूसा कहीं रुकावट बढ़ता है हमारी, अगर हमारे में मतलब हमने अगर अपनी नीयत बिल्कुल सही कर ली और हम जाके वहाँ पे करना चाहते हैं बीटेक तो बिल्कुल आराम से कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता यार, मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बता रहा था कि भाई मैंने जब बीटेक करी थी तो भाई लोन से करी थी, इसने भी लोन से करी है। आगे लेके आ भाई जैसे, जब तेरे पापा के पास पैसा नहीं था तूने लोन से बीटेक कैसे, मतलब कैसे रही वो जर्नी, एक बार डिस्कस करना यार कि तेरे पास पैसा नहीं था तूने उसके बाद भी बीटेक कर लिया। मैंने लोन के लिए अप्लाई करा, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरी खुद परसेंटेज बहुत अच्छी थी, 84% है मेरे डिप्लोमा में, तो मेरे रिजल्ट को देखते हुए मेरे को बैंक ने स्पॉन्सर किया, उन्होंने मेरे को लोन दे दिया था 70%, बाकी 30% की जो मेरी फीस थी वो मेरी स्कॉलरशिप से निकलती थी। मेरे को 50% स्कॉलरशिप एफिलेट हुई थी दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें मेरे को 44-45,000 स्कॉलरशिप मिलती थी। मेरे कहने का मतलब पता क्या है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं जस्सी भाई, रास्ते अपने आप निकल जाते हैं यार, बस चलने वाला चाहिए, है कि नहीं भाई। अगर हिम्मत करोगे ना आगे आके, मतलब अगर तुम्हें लग रहा है यार हमारे पैसे नहीं, हम नहीं बीटेक कर सकते, ये ऑप्शन है वो ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जैसे ये बंदा आपके सामने साक्षात एग्जांपल बड़ा शुभम, आपका शायद फैमिली बैकग्राउंड ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं होगी ना। YMCA की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ कितनी है? 35,000 के आसपास। हाँ मतलब एक सेमेस्टर की है वो, 70 के अराउंड पूरे साल की, वैसे अभी रिवाइज हो गया 77 मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं अभी कल ब्राउचर को देख रहा था, YMCA की भी 77,000 है पूरे साल की, और 77,000 पूरे साल में समझ लो आप, ठीक है। और आज की डेट में स्किल की वैल्यू है, जो कैमरे के पीछे लड़का खड़ा है ना उसका नाम है दानिश, ये बीटेक डिप्लोमा के अभी जब फाइनल ईयर में था तभी ये 10-15,000 रुपये कमाया करता था, बीटेक के फर्स्ट ईयर में। दानिश तू अभी बता दे यार, दानिश कैमरे के पीछे से बता दे, बीटेक के ये सेकंड ईयर में गया होगा तू पैसे तब भी कमाता होगा अपने एंड में, फ्रीलांसिंग करता होगा। यस सर। कितने पैसे कमा लेता था भाई? भाई ऑडियो सुन रही होगी तुम्हें, 30-35,000 रुपये आराम से, 30-35,000 रुपये महीने का कमा लेता था। जस्सी भी कितने पैसे कमा लेता था साथ-साथ बीटेक के साथ-साथ? 10-15,000 रुपए बीटेक के साथ साथ कमा लेता था। तुम लोग भी कर सकते हो यार, बीटेक 8 घंटे तो जाना है, 6 घंटे सोने में, 24 घंटे हैं दिन में, 2-3 घंटे काम कर लेंगे यार। हमने डिप्लोमा कर रखा है, पकौड़े थोड़े ना तले थे, डिप्लोमा कर रखा है, कोई ना कोई चीज कर लेंगे साथ में, हो जाएगी, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं भाई। यार तुम्हें लगता है कि मैं कोई भी बात गलत ही नहीं कह रहा हूँ? हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है भाई, मैंने 3 ऑप्शन जो बताए, प्राइवेट ऑप्शन जो ये भाई बता रहा था ये बिल्कुल सही बता रहा था, आप अभी आज की डेट में अगर आप नौकरी करने लग गए 10,000-15,000, मुझे ऐसा लगता है डिप्लोमा वाला हमेशा नीचे ही रह के नौकरी करता रहेगा, कभी वो ऊपर वाली पोस्ट पे नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप बीटेक करके आगे MBA MTech करके आप ऊपर वाली पोस्ट पे जा सकते हो, नीचे वाले बंदों को गाइड कर सकते हो, कतई सिंपल है, कुछ इसमें हार्ड एंड वो नहीं है, और 99% विद्यार्थियों को ये वाली बात पता होगी, लेकिन अपन नहीं सोच रहे हैं। हाँ 3 ऑप्शन है कौन से, अरे सरकारी नौकरी के लिए भी भाई पढ़ना पड़ता है, सरकारी नौकरी, अगर आपने डिप्लोमा के बाद सरकारी नौकरी चाहते हो लेकिन आपने डिग्री कर ली तो आप डिप्लोमा वाली सरकारी नौकरी तो बड़े आराम से निकाल सकते हो, अगर आप आपने डिग्री को सिंसियरिटी से पढ़ा है। भाई इसरो की अभी जॉब निकली थी या DRDO में जॉब निकली थी टीचिंग असिस्टेंट की डिप्लोमा के बेस पे, तो वो निकाल नहीं पाओगे कि डिप्लोमा उसका एग्जाम उसका NSUT में ना, अभी NSUT में अभी टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट निकली है, TA NSUT
उसमें डिप्लोमा मांगा है। इन बच्चों ने डिग्री कर ली है, डिग्री करने के बाद वो डिप्लोमा वाला सिलेबस देखेंगे, ये लेने लगेगा, कुछ भी नहीं यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मतलब अगर इन्होंने सिंसियरिटी से उसको 2-3 महीने भी दे दिए, मैं तुम्हें खड़ा होकर बोल रहा हूँ नौकरी लग जाएगी वहां पे सरकारी, और सरकारी नौकरी भाई नहीं, अगर देखा तो ऐड देख लेना, अभी डेट पड़ी है देख लेना, और मन बने तो जाना चाहो तो उधर चले जाना भाई। ठीक है भाई, एक बार म्यूट करे यार एक बार। भाई तुम चारों को जो मैसेज देना है जूनियर को दे दो, तो मैं एक एक करके पहले शुभम पे जाता हूँ। शुभम फ्रॉम YMCA, शुभम जूनियर के लिए क्या मैसेज है, तेरे दिल से क्या निकलता है, क्या जो हम अभी अपन ने चर्चा करी पिछले 5-1 मिनट में, तेरे दिल से क्या निकलता है? हमें नहीं पता कि इसको कोई देखेगा कि नहीं देखेगा, लेकिन अगर कोई बच्चा इसको देख रहा होगा तो तेरे हिसाब से उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? डिप्लोमा फाइनल ईयर का विद्यार्थी में गैप लेके करना चाहिए तैयारी इसका? देखो गैप का कोई फायदा नहीं है, मतलब गैप के बाद भी कई लोगों का रह जाता है, तो इसलिए सिंसियरिटी से एक बार तैयारी हो जाए, एक बार अंदर घुस जाए, उसके बाद डिप्लोमा के साथ साथ हो जाता है तैयारी? हाँ हो जाती है, इतनी कोई मुश्किल, इतना कुछ मुश्किल नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है, हो जाता है। अच्छा, अच्छे कॉलेज से बीटेक करनी चाहिए या किसी भी कॉलेज से बीटेक कर सकते हैं, सब एक बराबर है? देखो डिपेंड करता है, अगर अच्छे कॉलेज से निकले तो बेसिकली ये होता है कि प्लेसमेंट पे फ़र्क पड़ता है, और जब आप सामने जाओगे तो वहाँ पर कॉलेज के नाम के उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब सिर्फ अच्छे कॉलेज वाले ही वो कर पाते हैं, ज्ञान ज्ञान की वैल्यू है। और भी जैसे मतलब कम वाली नॉलेज वाले कॉलेज वाले अगर होंगे तो वो उनका भी हो जाता है। ठीक है, जूनियर के लिए एक मैसेज, दबा के पढ़ाई करना, बस दबा के पढ़ाई करना। ठीक है, हाँ दानिश, मैंने यही सेम क्वेश्चन जूनियर के लिए मैसेज, और तेरे हिसाब से अगर मान लो तेरे को HBTI कानपुर मिला होता या YMCA फरीदाबाद मिला होता, तो कुछ तू ज़्यादा उखाड़ पाता या गलगोटिया से तूने बीटेक करी है तो ठीक है? बंदे को डिपेंड करता है, ओके, अगर बंदे ने डिप्लोमा करा है और उसको मतलब इंटरेस्ट आ रहा है उस काम में कि हाँ मैं जो पढ़ रहा हूँ सही है मेरे लिए और मेरे को मज़ा आ रहा है उस काम में, तो बढ़िया है। अगर तो जोर जबरदस्ती से कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है, ना डिप्लोमा का ना बीटेक का। ठीक है, और जूनियर के लिए मैसेज, अगर मतलब इंटरेस्ट आ रहे तो ही बीटेक करो, अगर डिप्लोमा जब करेंगे वो तो उनका आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे को अच्छे लग रहे हैं, तभी मैं आगे उसको एडवांस में जाऊँ। अगर अच्छे नहीं लग रहे तो उस काम में घुसो जो ऐसा हो कि मतलब बोझ ना लगे करने में। बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है दानिश। अब जस्सी पे चलते हैं, जस्सी ने IP से यूनिवर्सिटी से करा, और जस्सी ने मेरे हिसाब से लीट की तैयारी शायद अपने से ही करी थी, और पूरा दबा के इसने मेहनत करी थी, उसमें कोई डाउट नहीं है। इसके टेस्ट में भी भाई अच्छे नंबर आते थे, इसे YMCA भी मिल रहा था, इसने अभी थोड़ी देर पहले ही मेरे को अभी बताया। हाँ जस्सी बताओ यार। सर मेरा मैसेज यही है कि एक ही बार हमने एजुकेशन लगनी है, एक सिनेरियो ये भी कहते हैं जैसे हमारे बड़े कहते हैं अगर पैसे की ललक लग जाती है ना बंदे को तो उसकी फिर चीज़ें आगे छूट जाती हैं, पढ़ाई छूट जाती है। तो अगर डिप्लोमा के बाद आप 2 साल या 3 साल अर्न कर रहे हो फिर आप कहोगे कि कौन करे पढ़ाई, मैं उसी में चलता हूँ। सो एक ही बार है, वन शॉट है, डिप्लोमा के बाद अपना बीटेक करो, अपने आप को सेटल करो, उसके बाद अपना कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन्जॉय करो फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया बात है। तो जैसे जूनियर के लिए मैसेज, जूनियर के लिए यही मैसेज है कि हाँ डिप्लोमा के साथ उनको ये डाउट होता है डिप्लोमा के साथ यार ये तैयारी भी करनी है, डिप्लोमा के पेपर भी है, इन्हें बताया यार कुछ भी नहीं है। कुछ ऐसे बच्चे हमने देखे हैं जैसे वो डिप्लोमा भी कर रहे हैं साथ साथ 12th भी कर रहे हैं, वो कहते हैं अगर हमने डिप्लोमा कर लिया अगर हमारे को बीटेक मिल गई तो ठीक है 12th के बाद हम BCA कर लेंगे। तो दो नाव में पैर रखें, एक ही नाव में चलें जिससे कि तुम्हारे को स्कोप है कि हमने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर ही बने। ऐसे लाइव एग्जांपल थे हमारी क्लास के भी जिन्होंने करे हैं 12th। ओके ठीक है भाई। हाँ अपना मोहम्मद कैफ, इसका नाम भी भाई क्रिकेटर है, इसके क्रिकेटर बोलते थे हम यार। हाँ मोहम्मद कैफ भाई प्लीज, यही एडवाइस रहेगी कि गैप तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, वन शॉट में पढ़ाई करो आफ्टर डिप्लोमा अगर इंटरेस्ट है तो, एंड कॉलेज पे डिपेंड नहीं करता, अगर सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है कॉलेज कुछ भी हो, बीटेक का सिलेबस तो काफ़ी सिमिलर ही है, बस स्किल्स मैटर करती हैं, आपके पास स्किल्स हैं आप अर्न करोगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। एक बार यार विक्ट्री बना दो, चारों आगे विक्ट्री बना दो भाई, सबको अपनी अपनी जॉब के लिए, लेकिन रुकना नहीं है आगे बढ़ना है भाई, ये मैसेज ध्यान रखना भाई का। आज ये हुआ ना 4-4 रुपये, मतलब भगवान करे 2-3 साल बाद दोबारा मिले और ये बोल रहा हो कि मेरा 10 मेरा 15 मेरा 20 है कि नहीं, ऐसा जोर से बोल दो एक बार, जय माता दी बोल दो यार, जय माता दी।